हेलो। हेलो, हाँ मैम। कौन? हाँ हाँ, हम प्रगति बात कर रहे हैं। हाँ प्रगति जी बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं कि आप दिल्ली चली गई। कल एक्चुअली पहुंचे और आज एम्स में बाबू को दिखाना था तो वो दिखा लिए। हाँ, अच्छा, तो आज दिखवा ली। दिखवा लिए। कौन से डॉक्टर से दिखवाई? ये शेफाली गुलाटी थी, अच्छा न्यूरो के। हाँ, न्यूरो के से हेड हैं यहाँ की, दिल्ली अच्छा एम्स की। अच्छा हाँ तो रिपोर्ट मिला? अच्छा, हाँ एक्चुअली हम लोग गए तो सारा चीज देखी, फिर वो बोली कि आपको आने की जरूरत क्या थी, आप तो जो बेस्ट है निमहांस, वहां जब आप दिखा चुकी हैं जी फिर आपको जी यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जी हम उनको यही बोले कि मैम, कुछ लोगों को डाउट है कि इसे SMA टाइप की बीमारी नहीं है, जी तो जी उसे कंफर्मेशन के लिए हम लोग आए कि आप अगर आप बोल देंगी तो लोग जो नहीं मान रहे हैं वो शायद मान लेंगे। तो बोले ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं चेक कर ले रही हूँ। उसके बाद वो कुछ मतलब इसका फिजिकली कुछ चेक की और रिपोर्ट्स तो मेरे पास पहले का था ही, तो वो सब कुछ देखकर अपना अपने डॉक्टर्स लोग से बात करके उसके बाद वो क्लियर बोली कि SMA टाइप है ही इसे, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। एक प्रिस्क्रिप्शन दी और एक और सर्टिफिकेट टाइप का एक होता है, वो बोली कि हम आपको 2 दिन में मेल कर देंगे और पोस्टल एड्रेस पे भेज देंगे। अच्छा, तो मैम वहाँ आप गई तो दिल्ली के लोगों में क्या प्रतिक्रिया है आयांस को लेकर? बिल्कुल लोग जान रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत लोग जान रहे हैं, लेकिन जान रहे हैं। मैं तो एयरपोर्ट पे गई तो एयरपोर्ट पे भी लोग थोड़ा सा आ गए अयांश को देखकर, तो थोड़ा सा। और मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे यहाँ आने का कुछ वैसा ये था नहीं, बस जी लोग जी थोड़ा सा। आपने बताया था कि आप बस लोगों का गलत फहमी क्लियर करने जा रहे बिल्कुल हैं। हाँ, यही पाते हैं कि थोड़ा सा दूर करना जरूरी था। दिक्कतें तो बहुत हो रही हैं प्रगति जी, मतलब आप सोच सकती हैं, मतलब एक पोजीशन में बच्चे को लेकर ले जी जी जाना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो दिक्कत तो बहुत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इस दिक्कत के बाद भी अगर लोग पॉजिटिव हो जाएं आयांश के लिए तो आयांश को ही ना हेल्प मिलेगा। और वहां पे कुछ नेता वगैरह लोग से आप मिले दिल्ली में? नहीं, अब अभी तो नहीं मिले प्रगति जी, लेकिन कल मिलेंगे, कल जी सोचे हैं मिलने का जी। अभी डिसाइड नहीं किए हैं किनसे मिलना है, लेकिन कल सोचे हैं मिलेंगे। तो लोगों से आपको कोई हेल्प मिल रहा है अभी? किसी से मिले आप? नहीं, एक्चुअली संगीता जी जो हमारे घर पे आई थी, जो RJD की रही हैं, जी जी जासिक की बहन है वो दिल्ली में ही रहती है, उनसे मेरी बातें हुई थी, वो कल आएंगी मेरे पास। उनका कुछ पैसा वैसा जमा किए हैं, वो करीबन 1 लाख के आसपास है, तो वो डोनेट करेंगी कल। चलिए, बहुत अच्छा है। और लोगों में जो भी दिक्कतें हैं, गलतफहमी है, वो आपने क्लियर करने का कोशिश भी किया और बिल्कुल मैम, इतना। क्योंकि मैं सही हूँ और मेरे बच्चे को बीमारी है और जी मैं फाइट कर रही हूँ Day 1 से। कुछ पत्रकारों का तो ये भी कहना है कि ये बीमारी नहीं है, कुछ का ये कहना है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे पड़े हैं, तो मैं इन चीजों के लिए पीछे नहीं हट रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन आयांश के पहले ऐसा चीज बिहार में नहीं आया था। नहीं आया था ना, जी आपको पता नहीं है नहीं नहीं प्रगति पे बिल्कुल बिल्कुल नहीं आया था। आज अगर मैं आयांश के लिए फाइट कर रही हूँ, लोगों से हेल्प मांग रही हूँ, तो फिर ये बात अब क्यों खड़ी हो रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आपने जो भी मैंने, प्रयास किया हाँ, है और मैंने कर किसी को रही मना तो नहीं किया ना मैम इससे पहले कि ना। आप हेल्प मत मांगिए या आप क्राउड फंडिंग मत करिए, बिल्कुल बिल्कुल मैंने किसी को नहीं मना किया। इवन कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने लोगों को एक मैसेज मैं दे रही हूँ कि आप ये कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। बिल्कुल, आपने सबसे पहले खड़ा होकर इसके प्रति आवाज उठाया है और आपसे बहुत लोग ऐसे हैं जो सीखेंगे और उनको सीखने को मिला भी है। नहीं मैम, बहुत लोग तो गलत तरीके का चीज उठा रहे हैं कि ऐसा बहुत अब सारा बच्चा जिनका है। वैसा मानसिकता है उनका मानसिकता तो हम नहीं बदल सकते हैं ना। हाँ, बस आप जो तो कर रही हैं वो कंटिन्यू कीजिए, आपको जरूर मदद मिलेगा सबसे। और लोग जिनको समझना होगा वो आपकी फीलिंग्स को जरूर समझेंगे, आयांस की बीमारी को भी समझेंगे। तो इसमें बस आप यही मैम है कि आप लोग के थ्रू जो हो रहा है वो चीज बस अच्छे से चले और आज का बिल्कुल बिल्कुल हम समय लोग का रहते पूरा इलाज हो जाए साथ। कम से कम। नई चलिए, चीजें तो हैं। ठीक है प्रगति जी, मैं आती हूँ फिर बात करती हूँ हाँ आपसे। हाँ ठीक है। ठीक।